हाय गाइस, हम बात करेंगे आज हेलोफॉर्म अभिक्रिया की, हेलोफॉर्म रिएक्शंस। हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है? तो ये बोला जाता है कि वे अभिक्रियाएं जिनके अंदर हेलोफॉर्म बनाते हैं, हेलोफॉर्म का मतलब जैसे क्लोरोफॉर्म बनाते हो, आयोडोफॉर्म बनाते हो, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव बनाने के लिए रिएक्शंस होती है हेलोफॉर्म रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैं यहां बता रहा हूं, ठीक है। अब ये बोला जाता है कि कौन से कंपाउंड ऐसे होते हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शंस देते हैं, तो मैं बोलूंगा कि वे कंपाउंड जिनके अंदर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, वे कंपाउंड क्या देते हैं? हेलोफॉर्म अभिक्रियाएं देते हैं। अब ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है जिनके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, आप लोग आराम से पता लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? ये बोला जाता है जिन कंपाउंड के अंदर, या ऐसे कोई यौगिक को जो ऑक्सीडाइज होने के बाद ये ग्रुप दे रहे हो तो भी हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। मैंने क्या बोला कि ऐसे कंपाउंड जो CH3CO समूह रखते हैं या ऑक्सीडाइज होकर जिनका ऑक्सीडेशन हो जाए और ऑक्सीडेशन होने के बाद ये ग्रुप आ जाए तो भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। तो ऐसे कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, जैसे ये ग्रुप किसमें मिलता है? कार्बोनिल ग्रुप किसमें मिलता है? अपन बोलेंगे डायरेक्टली अगर कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, एल्डिहाइड, कीटोन, उनके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे ही देंगे। इसके अलावा और कौन से कंपाउंड, मैंने एक वर्ड बोला ऑक्सीडाइज होकर, तो ये बोला जाता है एल्कोल का अगर ऑक्सीडेशन होता है, एल्कोल का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ये ग्रुप उसमें प्रेजेंट होता है। जैसे मैं बोलूं 1 डिग्री एल्कोल, 2 डिग्री एल्कोल, तो 1 डिग्री एल्कोल हो चाहे 2 डिग्री एल्कोल हो, उनके अंदर कौन सी रिएक्शन मिल सकती है? हेलोफॉर्म रिएक्शन मिल सकती है। जैसे यहां पर मैं आर लगा दूं तो ये जो आर है ना वो हाइड्रोजन हो सकता है, और जब हाइड्रोजन हो जाएगा तो वो एल्डिहाइड बनेगा। अगर मैं बोलूं यहाँ पर आर एल्किल ग्रुप है तो एल्किल ग्रुप पर तो कीटोन बनेगा, कीटोन ही से कीटोन भी देगा। यहाँ पर ये आर और क्या हो सकता है, हेनिल ग्रुप हो सकता है, हेनिल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हो सकता है, एल्किल हो सकता है, पीएच हो सकता है। अगर 1 डिग्री एल्कोल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो उनको पता है एल्डिहाइड बनता है, और यहाँ पर मैंने बोला एच तो एल्डिहाइड भी, 2 डिग्री एल्कोल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन। तो मैं बोलूंगा कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ साथ जो एल्कोल्स होते हैं वो भी क्या देते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शंस देते हैं। अब ये बोलते हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें CH3CO समूह हो वो हेलोजन और बेस, किस किस के साथ? हेलोजन तथा क्षारों के साथ अभिक्रिया करके वो क्या देते हैं, वो देते हैं हेलोफॉर्म देते हैं। क्या देते हैं? हेलोफॉर्म देते हैं। ये हेलोफॉर्म हो गए, हेलोफॉर्म देते हैं, और इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेलोफॉर्म रिएक्शन से बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म। और जो हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है, और जो हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है वो इसके अंदर रिएक्शन के अंदर आप आराम से बना सकते हैं। अब ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया की मैकेनिज्म क्या है वो अपन को देखनी है, तो इसकी मैकेनिज्म अपन आराम से समझेंगे। उसको समझ इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा ना। अगर मैं बोलूं एल्कोल दे रखा है, नॉर्मली क्या दे रखा है, एल्कोल दे रखा है, और एल्कोल के अंदर अपन बात करें CH3CHROH, तो ये एल्कोल हो गया। इस एल्कोल का अपन क्या करवाएंगे, मैं बोलूंगा प्रथम पद, अगर तीन स्टेप की बात करें तो ये बोला जाता है एल्कोल का ऑक्सीडेशन करवाओ, फिर कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड का हेलोजिनेशन करवाओ, और हेलोजिनेशन करवाने के बाद हाइड्रोलाइसिस करवा दो, तो अपन को क्या मिल जाता है, लास्ट के अंदर हेलोफॉर्म मिल जाता है। मैंने बोला ये क्या है, 2 डिग्री एल्कोल और 2 डिग्री एल्कोल ऑक्सीडेशन करने पर क्या मिलता है, कीटोन मिलता है ना, तो ये कीटोन हो गया। तो एक तरह से मैंने क्या लिखा है यहां पर, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो गया एल्कोल का ऑक्सीकरण। तो मैंने सबसे पहले करवा दिया एल्कोल का ऑक्सीकरण। अगर एल्कोल का ऑक्सीकरण करवा दिया और ऑक्सीकरण करवाने के बाद मुझे यहां पर जो क्या मिला, कार्बोनिल कंपाउंड मिला, उसका हेलोजिनेशन करवा दो, हेलोजिनेशन करवा दिया, तो हेलोजिनेशन करवाने पर मिलेगा CH3COR+3HX। इसका हेलोजिनेशन हो गया, मैंने क्या बोला यहां पर, कार्बोनिल कंपाउंड का हेलोजिनेशन करवा दिया। ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, अपनी कॉमन रिएक्शन पर कार्बोनिल यौगिक का हेलोजनीकरण करवाया, क्या करवा दिया, इसका हेलोजनीकरण करवा दिया।
हेलोजन। और मैंने इसके बाद क्या बोला, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो। हाइड्रोलाइसिस का मतलब जल अपघटन करवा दो। तो जल अपघटन करवा देते हैं अपन इसका, यहाँ पर इसका जल अपघटन करवा के, जल अपघटन करवाने के बाद अपना जो भी प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हेलोफॉर्म एनिमल जेंस ऑफ बेस। जल अपघटन करवा दो और जल अपघटन करवाने में यहाँ पर ये बन जाएगा CHX3RCOONA। इस तरह से अपना ये कंपाउंड हो जाता है, एटलीस्ट रिएक्शन हो जाती है, इस तरह से रिएक्शन चलती है। अब इसके मैकेनिज्म देखेंगे, भी मैकेनिज्म नहीं हुई इसकी, मैकेनिज्म आराम से समझेंगे, मैकेनिज्म कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला अगर एल्कोहल से अपन क्या करवाना, एल्कोहल बनवाना हो तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दो, जिससे क्या कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड का हैलोजिनेशन करवा दो और उसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो, जल अपघटन करवा दो, तो अपना प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, हेलोफॉर्म मिल जाता है। अभी जो हेलोफॉर्म बना इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, देखो आराम से समझना है मैकेनिज्म को, अच्छे से समझेंगे मैकेनिज्म। देखो इसकी जो क्रिया विधि है उसको देखो, मैंने क्या बोला था कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो, CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो अपन डायरेक्ट उसी से करवाएंगे, CH3CO ग्रुप को प्रेजेंट होगा उसी को करवाते हैं। देखो यहां पे CH3CO मैंने ऐसे कौन लिया, यहां पे R लगा। अब इसमें क्या करवाते हैं, इसकी क्रिया विधि है, ठीक है। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं जब तो बेस में रिएक्शन होती है ना ये, अब यहां पर ये क्या करेगा, प्रोटॉन उठा लेगा यहां से। अब यहां पर देखो ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन के अंदर अपन आराम से नहीं समझते हैं कि सबसे पहले प्रोटॉन का एक्सट्रैक्शन होता है। प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन का मतलब आप लोग समझते हो ना, कि यहां से प्रोटॉन निकलेगा और प्रोटॉन निकलेंगे H2O, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहां और ये यहां, तो यहां पर RCO CH और नेगेटिव चार्ज और यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अब देखो अगला स्टेप जो है इसमें हैलोजनेशन करवाया है, या रिएक्शन पढ़ी है तुमने, ये स्टेप कौन सा, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन तुमने पढ़ी है, बहुत सारी वैसी रिएक्शन से। यहां पर देखो ये इलेक्ट्रोप्लिकेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। तो यहां पर ये हेलोजन आयन के रूप में टूटता नहीं, टूटता टूटता है ना। अब यहां पर क्या होगा, एक्स प्लस के रूप में निकलेगा, क्या निकलेगा, एक्स प्लस के रूप में, सॉरी एक्स प्लस और एक्स माइनस में टूटेगा, तो जो एक्स प्लस है वो तो कहां आके लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के रूप में लग जाएगा ना। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन गया, तो मैंने कौन सा क्लीवेज करवाया, मैंने यहां पर हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाया, कौन सा हेटेरोलाइटिक, विस्मांस बंध खंडन, विस्मांस बंध खंडन के दौरान दो स्पीसीज बनती है। तो यहां पर ये तो हेलोजन आयन बनेगा और ये हैलाइड आयन बनेगा, तो यहां पर किसकी जरूरत है, आपको यहां पर अपन को जरूरत है एक्स माइनस बाहर निकल गया आर सी ओ सी एच एक्स। अब वापस ओज माइनस लिया क्योंकि तीनों प्रोटॉन निकाल गए, तीनों प्रोटॉन निकाल गए, तो सी एच थ्री लगाना है यहां पर, तो वापस प्रोटॉन लेके आए एच टू ओ निकला और ये आर सी ओ नेगेटिव चार्ज, फिर वापस वही तो यहां पर RCO H X और X और यहां पर क्या निकला X माइनस, फिर एक प्रोटॉन हो रहा, भी प्रोटॉन को दिख रहा नहीं ये वाला, यहां पर भी ऐसा ही हुआ था। अब देखो यहां पे एक प्रोटॉन होता है, अब यहां पर रिएक्शन करवा दो वापस, एक्स माइनस और ये इस तरह से बन गया तुम्हारा हेलोजिनेशन हो गया इसका आर सी ओ सी एक्स थ्री एक्स लग गया यहां पर। इस तरह से जब हेलोजिनेशन करवा देते हैं अपन, हेलोजनीकरण करवाने के बाद में अपना ये क्या बना, ट्राई हेलो कीटोन बन गया, क्या बन गया, ट्राई हेलो कीटोन।
और अभी प्राइम आगे रिएक्शन देखो, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आप लोगों ने देखी अच्छे से, तो यहाँ पर नाभिक से ही होगा तो अभिक्रिया अपन देखेंगे। ये जो रिएक्शन है इस वाले, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, नाभिक किसने ही योगात्मक अभिक्रिया देता कि नहीं देता, कौन सी अभिक्रिया देता है नाभिक किसने ही योगात्मक अभिक्रिया। तो ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, नाभिक किसने ही योगात्मक अभिक्रिया है। ये एल4 वाले चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप लोगों के लिए, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर में मैं बताऊंगा कि एक रिएक्शन आई थी उसको कैसे सॉल्व करना था। RCOCH3OH-, अब यहां पर देखो क्या हुआ, RCO- OH और यहां पे CH3। अब क्या होगा देखो, इस बंद गया इलेक्ट्रॉन यहां और ये तो अपन ने ऊपर दिया ना, तो ये बन गया तुम्हारा एसिड RCOOH और ये बन गया तुम्हारा X-। अब क्या होगा यहां पे एल्कोहल है, सॉरी एसिड, एसिड अपना प्रोटॉन साथ में रख सकता है क्या यहां पे, तो क्या होगा यहाँ पर प्रोटॉन एक्सचेंज होगा ना, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है यहाँ पे, क्या होता है प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन हिंदी में बोल सकते हैं इसको, प्रोटॉन एक्सचेंज होता है, प्रोटॉन एक्सचेंज होकर यहां लग जाएगा ये वाला और अपना जो मेन प्रोटेक्ट है वो बन जाएगा CH3। यहां से एच यहां गया, ये वाला जो एच है ना यहां लग जाएगा इसमें प्रोटॉन एक्सचेंज, क्योंकि ये क्या है एसिड है और एसिड का काम ही होता है H+ देने का, तो H+ दे देगा आराम से और ये बन गया अपना हेलोफॉर्म। क्या बन गया हेलोफॉर्म और साइड प्रोटेक्ट क्या बना RCO और साथ में एन सब रखना इधर, ये लो RCON। इस तरह से इसकी मैकेनिज्म देखिए अपन ने, मैंने बोला था वहां पर हेलोजन अगर एल्कोहल दे रखा तो उसको क्या करवा देते, ऑक्सीडेशन करवा देते, CH3CO समूह इंसर्ट हो जाता था, फिर उसका क्या करवाते थे कार्बोनिल कंपाउंड का हेलोजिनेशन। तो अपन की जो मैकेनिज्म है उसमें ये ग्रुप जो था इसमें अपन क्या करवा रहे हैं हेलोजिनेशन करवा रहे हैं, यहां तक ट्राई हेलोजन बन रहा है, यहां पर क्या करवाया अपन ने हेलोजनीकरण करवाया, फिर क्या किया अटैक करवाया OH-, और ये जो अटैक होता है इसको बोला जाता है नाभिक किसने ही योगात्मक अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नेगेटिव चार्ज ऊपर और यहां पॉजिटिव, और पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन तक नेगेटिव के रूप में निकला तो नेगेटिव CH3-, और ये एसिड है और यहां पर ये अपना होती है जहां पर बोलते ना इनकम्प्लीट रिएक्शन फॉलोइंग इनकम्प्लीट फॉलोइंग रिएक्शन, तो वहां पर यूज होती है, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर पूछी थी एक बार, समझ नहीं पाए बच्चे, और सेकंड ईयर वालों के लिए इम्पोर्टेंट है एल्कोहल वाला जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है गाइस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये रिएक्शन हेलो फॉर्म। थैंक यू भाई।